हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय बीबी एजुकेशन चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास थ्री इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस द क्लास वन व्हिच इज़ बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज एंड क्लास टू बेस्ड ऑन वन प्रॉब्लम दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ओके एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के ऊपर एक प्रॉब्लम करें हम और साथ में उसकी जर्नल एंट्रीज को किस तरह से पास करना है वो और सारे जर्नल एंट्रीज हम देखें जो हमारी क्लास वन हो गई एंड क्लास टू हो गई अभी हमारी है क्लास थ्री जहाँ पे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास थ्री में हम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ठीक है इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड अदर प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ओके सो हम जो प्रीवियस uh, वीडियो में हर एक बेसिक पॉइंट्स बोले जो भी न्यू हैं ठीक है ना वो um, लोग जाकर प्रीवियस वीडियो देख के फिर यह वीडियो में आकर कंटिन्यू करिए बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द फर्स्ट दैट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल सो वी आर गोइंग टू डिस्कस येक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू हाउ टू पास एंट्रीज and how to do adjustment and everything we are going to discuss in this video so don't skip this video watch this video till end in this video we are going to discuss each and every point in detail okay before going to our topic if you are new to my channel did not subscribe it means please like share and subscribe to my channel okay i hope that you all are uh, understanding all my videos and this video is going to be very helpful to you to understand the admission of a partner, so let's start our topic. Here we are uh, doing another problem which is based on admission of a partner. ठीक है, last वाले problem में हम सब detail देखे, अभी यहाँ पर सीधा देखेंगे। यहाँ पर, यहाँ पर है, देखिए, Vijay is admitted as a partner on the above date on the following. So Vijay अभी यहाँ पर हम उससे क्या अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये हमारा क्या है, admission, right? so यहाँ पे admission of a partner में विजय एडमिट हो रहे जब भी कोई भी न्यू पार्टनर बिजनेस में आएंगे तो आते टाइम पे दो चीज़ें लेकर आएंगे पहला रहेगा कैपिटल सेकंड वाला रहेगा गुडविल ठीक है ना सो तो अब सेम जैसा हम पहले हमारा प्रॉब्लम करें अभी भी सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी सेम है देखिए फर्स्ट वाला क्या है हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट है ठीक है फर्स्ट इज रिवेल्यूशन अकाउंट सेकेंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज यू कैन सी देन थर्ड वन वी हैव बैंक वालु� अकाउंट गुडविल अकाउंट एंड बैलेंस शीट मैं आपको बोली थी इससे पहले कि बैंक अकाउंट हम आपको कब बनाना है अगर से हमको प्रॉब्लम में यहाँ पे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दिया तो कैश इन हैंड दिए तो कैश अकाउंट बनाना यहां है यहाँ पर बैंक है दैट्स वाई वी आर मैंटेनिंग द बैंक अकाउंट राइट वी आर मैंटेनिंग द बैंक अकाउंट ही इसमें सिर्फ आपको जो एडजस्टमेंट की एंट्रीज है वो डिफरेंट है वही डिस्कस करना है हम आपको इस uh, सब वो प्रॉब्लम्स है यही डिफरेंसेस इस है इसमें बस सो so हम देखेंगे चलिए य व्हाट वी आर गोइंग न्यू पार्टनर जब भी आते हैं उन्होंने क्या लेकर आते हैं हमारे पास गुडविल एंड जनरल रिजर्व य तो ही विल फर्स्ट फर्स्ट कहाँ से देखना है आपको कभी भी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट करना है विजय इज़ एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द एबॉफ डेट फॉलोइंग टर्म्स तो अब विजय एडमिट हो रहे विजय कौन है न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर कौन जो ऑलरेडी एग्जिट एग्जिस्ट है कौन है वो राजेश एंड अजय ये ओल्ड पार्टनर्स अभी ये ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर ए, एंटर हो रहे विजय सो so, विजय एडमिट होते टाइम पे क्या लेकर आ रहे हैं एंड साथ में कैपिटल लेकर आ रहे हैं गुडविल कितना है फिफ्टीन थाउजेंड कैपिटल कितना है थर्टी थाउजेंड राइट सो so, अब ये जो गुडविल आते टाइम पे वो पार्टनर लेकर आते गुडविल को सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ले लेना है फिफ्टीन थाउजेंड बाई अकाउंट टेन थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके रेशियो में हम आपको बांटना है ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में बांट दिए न्यू पार्टनर्स को नहीं डालना है राइट सो देन अभी उन्होंने आते टाइम पे और एक चीज़ क्या लेकर आए कैपिटल है कैपिटल ये बड़ी चीज़ है ठीक है थर्टी थाउजेंड सो कैपिटल भी सीधा लाएंगे कौन लेकर आए न्यू पार्टनर लाए तो जिसका कैपिटल है उसी को आएगा सो so, हम लेकर जा न्यू पार्टनर में लिखेंगे कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना है न्यू पार्टनर्स में लिखना है क्या लिखना है आपको बाई बैंक अकाउंट थर्टी थाउजेंड कैपिटल दो एंट्रीज रिकॉर्ड कर लिए हम एक हो गया गुडविल एक हो गया बैंक अकाउंट वो थर्टी थाउजेंड ठीक है अब रही बात यहाँ पे हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमारा है हम वो स्टार्ट कैसा करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करना है हमारे फाइव अकाउंट्स है राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बैंक अकाउंट है गुडविल अकाउंट है बैलेंस शीट है पांच चीज़ें हमको प्रिपेयर करना है बट हमको जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करना है तो अब हम दो चीज़ों को पक्का रिकॉर्ड कर लिए दो चीज़ क्या है वो एक रहा गुडविल और सेकेंड रहा बैंक अकाउंट ठीक है अब ये दो चीज़ें जैसे रिकॉर्ड करके अब हम अब हमको कहाँ पे जाना है यहाँ पे कैपिटल uh, अकाउंट्स अब देखिए कैपिटल अकाउंट्स में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल न्यू पार्टनर का तो कैपिटल आप लिख लिया अब जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल रहता है उसको सबसे पहले ला के यहाँ पर लिखना बाई बैलेंस ब्रॉटन जो कि हम फर्स्ट न लिखे थर्ड लिख रहे हैं नो वरीज लेकिन पहले हम आपको ये लिखना है बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के जो न्यू पार्टनर्स का ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो लिखेंगे कितना ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एक का है फोर्टी थाउजेंड और एक का है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दोनों का दोनों को लिखिए जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है वो तो यहाँ थर्टी थाउजेंड ऑलरेडी है हमारे पास ठीक है अब ये दो चीज़ें हो गया। अब थर्ड वाली चीज़ क्या है जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व क्या है फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है अब जनरल रिज़र्व गुडविल हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें बांटना रहता तो हम गुडविल तो बांट दिए राइट अब हमको क्या है जनरल रिज़र्व बांटना है जेनरल रिज़र्व की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में फिफ्टीन थाउजेंड है सो फिफ्टीन थाउजेंड मतलब ये जो राजेश एंड अजय का जो आया रेशियो फोर्टी और ट्वेंटी फाइव को करेंगे हम उसका जो रेशियो आएगा उसके रेशियो से अब हमको को यहाँ पर बांटना है जनरल रिजर्व टेन थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड ओके सो आई होप दैट यू ऑल क्लियर कि क्या लिखना है कैपिटल अकाउंट अगर आप कैपिटल अकाउंट करेक्ट बना लिए ठीक है कैपिटल अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं करे तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी पक्का करेक्ट टैली होने वाली है एग्जाम में ये सारी चीज़ें हो गए अब सब चीज़ें हो गए रिकॉर्ड ठीक है अभी ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होने के बाद बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ये जैसे ही कैपिटल अकाउंट बन गया अभी हम जाएंगे बैलेंस शीट की तरफ और वैल्यूएशन अकाउंट की तरफ साथ में टैली करते हुए भी जा सकते हैं आप या फिर वन बाई वन भी कर सकते हैं आपकी मर्जी ओके आज विश तो अब हम आपको नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे यहां देखिए एसेट साइड में आना है बिकॉज यहां पे जो डेबिट साइड में हम क्या क्या चीज़ें लिए जनरल रिजर्व ऑलरेडी ले लिए कैपिटल अकाउंट जो थे दोनों का भी लेकर गया वहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी ले लिए अभी बचे वा है सन्ड्री क्रेडिट आर्स ट्वेंटी थाउजेंड सो so, वो सन्डरी क्रेडिट आर्स ट्वेंटी थाउजेंड लाइबिलिटी साइड आने वाला है ठीक है तो हम यहाँ पे लाएंगे लाइबिलिटी साइड में क्या क्रेडिट आर्स ट्वेंटी थाउजेंड लिख लिये इनर कॉलम में लिखना है अभी आउटर कॉलम में नहीं लिखना बिकॉज हमारे इसका एडजस्टमेंट अभी नहीं मालूम है राइट सो नेक्स्ट यहाँ पर आई में क्या मशीनरी कितना है, लेकर प्लांट एंड मशीनरी फोर्टी थाउजेंड वो भी हम उसको क्या करें यहां पे इनर कॉलम में लिखिए पेटेंट्स right? कितना है टेन थाउजेंड ओके भी लिख लेंगे देन अब यहाँ पे देखिए हम ना एक देखते हुए नीचे जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो भी चेक कर लेते जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा राइट सो वी आर गोइंग टू चेक चेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज एज वेल सो हियर प्लांट एंड मशीनरी फोर्टी थाउजेंड है एडजस्टमेंट में चेक करिए कि है प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर या है ही विल पे द एसेट टू बी वैल्यूड एस अंडर प्लांट एंड मशीनरी एट फोटी फाइव थाउजेंड सो प्लांट एंड मशीनरी कितना है फोर्टी फाइव थाउजेंड यहाँ पे कितना है फोर्टी थाउजेंड है प्लांट यहाँ पे फोटी फाइव सो डिक्रीज़ हो रहा या इंक्रीज हो रहा इंक्रीज हो रहा है फोर्टी से फोर्टी फाइव में कितना इंक्रीज़ हो रहा फाइव थाउजेंड सो फाइव थाउजेंड इंक्रीज़ हुआ तो हमारा क्या हो जाता है अमोटाइजेशन हो जाता ठीक है फाइव थाउजेंड इंक्रीज़ हो रहा था एमोटाइजेशन प्लस में आ रहा वो अमाउंट हम आपको तो हम ये फाइव थाउजेंड लेके जाके क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में डालेंगे फोर्टी प्लस फाइव थाउजेंड इज़ फोर्टी फाइव थाउजेंड आउटर कॉलम अब यहाँ पे ऐड करें हम एमोटाइजेशन हुआ ठीक है ना यहां ऐड करें करेंटाइजेशन मतलब प्लस करें हम तो वो लेकर आके यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे प्लस करें सो चीज़ें सब यहां क्रेडिट साइड में लिखना है तो बाई प्लांट फाइव थाउजेंड जो प्लस करे वो लिख लिए ठीक है सिर्फ जो मैं एक्सप्लेन करी वही देखिए नीचे के पॉइंट्स को मत देखिए अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज सो बाई प्लांट फाइव थाउजेंड हम यहां पर लिख लिए राइट ये हमारा एमोटाइजेशन है प्लस आया अगर कोई भी चीज हम ऐड कर करे एप्रिसिएशन है तो हम हमारो क्या लिखना है यहां पर लिखना है एप्रिसिएशन क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड राइट सो so, नेक्स्ट देखिए अच्छा कॉन्सेंट्रेशन से पेटेंट्स टेन थाउजेंड है पेटेंट्स के ऊपर है कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर पर पढ़िए आप लोग यहाँ सब दिख रहा ना क्लियरली पेटेंट्स के ऊपर कुछ भी नहीं है हमारको एडजस्टमेंट ठीक है नहीं है तो हम लाए पेटेंट्स आउटर कॉलम में लिख लिए यहाँ पे बैलेंस शीट में ये रिजअल बैलेंस शीट पेटेंट्स आउटर कॉलम में लिख लिया ठीक है देन नेक्स्ट क्या है स्टॉक है स्टॉक के ऊपर कितना है ट्वेंटी थाउजेंड है यहाँ पे सिक्सटीन थाउजेंड तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या है हमारा ये डिप्रिसिएशन है तो हम आपको माइनस करना है ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सिक्सटीन थाउजेंड हाउ मच फोर थाउजेंड अब ये फोर थाउजेंड आया तो अब हम इसको लेके जाकर रिवैल्युएशन अकाउंट में कहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में बिकॉज हम ये माइनस करें ना इसीलिए इसको ला के डेबिट में लिख रहे हैं ठीक है जो भी माइनस कर रहे वो लेकर आके हम डेबिट में डालना है उसको राइट Yeah. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है डेट आर्ट्स हाउ मच डेट आर्ट्स कितना है एटीन थाउजेंड है यहाँ पे ठीक है वो डेट आर्ट्स जो एटीन थाउजेंड ने आपको लेकर आना है यहाँ पे लिखना है डेट आर्ट्स एटीन थाउजेंड राइट अब यहाँ पे उस पर एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डेट आर्ट फाइव परसेंट है सो so, अभी डेट आर्ट्स कितना है एटीन थाउजेंड उसका फाइव परसेंट करे तो आपको कितना आएगा फाइव परसेंट अगर हम डेट आर्ट्स का करें तो नाइन हंड्रेड आता वही फाइव परसेंट निकालना है यहाँ पे लिखना है सो so, अभी डेट आर्ट में से माइनस करें ना हम माइनस करें फाइव परसेंट तो नाइन हंड्रेड जो माइनस करे उसको लेकर जाके यहाँ पे डिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है माइनस टू प्रोविजन ऑन डेटा नाइन हंड्रेड इज दैट क्लियर देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव कैश एट बैंक दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड व्हाट वी हैव कैश एट बैंक ट्वेल्व सो ये जो कैश एट बैंक का अमाउंट है यहाँ नहीं लेना बिकॉज हम बैंक अकाउंट सेपरेटली बना रहे हैं राइट right? हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पर ले कर जाके लिखना रहता है ये अमाउंट तो अभी इसका कुछ भी नहीं है इसको ऐसे ही रहने दीजिए राइट देन नेक्स्ट नेक्स्ट में अब हमारे को क्या आएगा यहाँ पे और फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए डेट आर्ट्स एट ये ले लिए फाइव परसेंट इट फाउंड फाउंडेड द क्रेडिट आर्ट्स इंक्लूडेड रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड विच वाज नॉट टू बी पेड ये जो क्रेडिट कार्ड्स है फिफ्टीन हंड्रेड वो अभी पे नहीं करे बोल के बोल रहे हो न ठीक है तो अब हम हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ठीक है हम जो क्रेडिट कार्ड्स लिखे थे बैलेंस शीट में वो कितना था क्रेडिट कार्ड्स ट्वेंटी थाउजेंड लिखे अभी वो क्रेडिट कार्ड्स में पे नहीं करे बोल के दे रहे फिफ्टीन हंड्रेड पे नहीं करे तो अभी उसको हम क्या करेंगे माइनस लिखेंगे क्रेडिट कार्ड्स मतलब डेट्स रहते ना वो हमारे लिए सो so उसको माइनस मिलेंगे ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड करे तो सेवेंटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड होगा हमारे राइट right? यहाँ पर एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या हैल्सो फाउंडेड देर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन वर्कर अमाउंटिंग नाइनटीन हंड्रेड अब यहाँ पे नाइनटीन हंड्रेड बोल रहे हैं अब ये क्या है वो तो देर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन ये ऐसा वर्ड अगर आपको एग्ज़ाम में आया कंपेन्सेशन फॉर वर्कर्स अमाउंटिंग अगर ये वर्ड आपको एग्ज़ाम में आया नाइनटीन हंड्रेड सो आपको क्या करना है क्रेडिट आर्स में लेकर जाके ऐड कर लेना है कितने नाइनटीन हंड्रेड रुपीज़ ठीक है अभी हम क्रेडिट आर्ड्स में ऐड कर रहे तो अभी यहाँ इसको पलटा के क्या करेंगे जल्दी से उसका इफ़ेक्ट रख लेंगे कहाँ पर रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में माइनस करें सो ना यहाँ पर क्रेडिट आर्ड्स फिफ्टीन हंड्रेड रुपीस यहाँ पर लिख लिया हम ठीक है वर्कर्स कंपनजेशन नाइनटीन हंड्रेड रुपीज़ वो भी डेबिट साइड में ला कर लिख लीजिए जो क्रेडिट में था वो क्रेडिट में लिख क्लियर हो गया आप क्रेडिट आर्ड्स का ठीक है अगर आप ऐसा एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए गए तो आपको प्रॉब्लम करने में बहुत आसानी हो जाती है इसीलिए ठीक है अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलना है अभी यहां तक तो कंप्लीट हो गया पूरा अब यहाँ कुछ भी नहीं है जो चीज़ हम नहीं लिए ठीक है अभी सब ले लिए आपको ऐसा फील हो रहा है दैट यू हैव टेकन एवरी थिंग मीन्स देन यू हैव टू कम टू बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट वॉट वी हैव वॉट यू हैव टू डू अभी तो हम बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में क्या है ठीक है बैंक अकाउंट वॉट वी हैव टू बैलेंस ब्रॉड डाउन असल में ये फर्स्ट लिखना है आपको यहाँ पे ठीक है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा जो ट्वेल्व थाउजेंड हम जो लिए ना यहाँ पर बैंक का कैश एट बैंक जो ट्वेल्व थाउजेंड है हमारा वो ओपनिंग बैलेंस है हमारा बैंक अकाउंट का इसीलिए उसको यहाँ पर लिखिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन राइट सैनिक और क्या करना है हम बैंक अकाउंट में जो न्यू पार्टनर्स आते टाइम पे कैपिटल लेके आ रहे हैं एडजस्टमेंट के एंट्री इसको टू टाइम्स रिकॉर्ड करते राइट right? सो so, अब हम क्या करें इसको थर्टी थाउजेंड जो लेकर आए उनका कैपिटल एक ही बार रिकॉर्ड करें जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सो so अभी उसको क्या करना है हम आपको रिपीट करना है यहां पे लिखना है थर्टी थाउजेंड रुपीज कहाँ पे लिख रहे हैं हम वो थर्टी थाउजेंड बैंक अकाउंट में राइट थर्टी थाउजेंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिए करेक्ट देन नेक्स्ट वाला क्या है हमारे को अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए हो गया ये दो एंट्रीज भी हो गए आपके अभी यहाँ पे है क्या हम आपको गुडविल ठीक है गुडविल अकाउंट गुडविल अकाउंट कितना है गुडविल फ़िफ्टीन थाउजेंड है अब गुडविल को वहाँ पे सिर्फ एक ही बार एंटर करें अभी लाना है यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट बोल के यहाँ पे गुडविल को कितना लिखना है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ ठीक है अब ये जो गुडविल का अमाउंट है वो यहाँ पे बांटना कितना टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड दैट इज़ फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ दोनों के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो है उसका रेशियो निकालना मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताई कैसे निकालना है रेशियो वैसे रेशियो निकाली और दोनों को गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो आपका अमाउंट कितना आएगा फिफ्टीन थाउजेंड रुपीस आ जाएगा ओके ऐड करें हम दोनों को देन गुडविल का अमाउंट इज गुडविल अमाउंट सो हाइएस्ट जो है दोनों साइड डाल दिए हो गया गुडविल अकाउंट हमारा क्लोज ठीक है अभी बैंक अकाउंट क्लोज नहीं हुआ सो so गुडविल का जो फिफ्टीन थाउजेंड है वो हम आपको बैंक अकाउंट में इसको रिपीट करना है बिकॉज ये गुडविल का आंसर आया यहाँ पे हम लिखे बैंक अकाउंट बल्कि फिफ्टीन थाउजेंड जो जहाँ भी बैंक लिख लिखे रहा, उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है वही एक पर्टिकुलर नेम के साथ में राइट सो यू हैव टू ट्रांसफर इट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर नेम गुडविल अकाउंट अभी क्लोज कर दिए हम बैंक अकाउंट क्लोज कर दिए राइट right? और हमारा क्या है कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ रिवेल्यूशन अकाउंट क्लोज नहीं हुआ हमारा ठीक है सो so अभी क्या है रिवेल्यूशन अकाउंट में हम स्टॉक uh, ले लिए बताया आपको जैसा सब पूरे सब चीज़ें ले ली अभी यहाँ पे इसको प्लस करना है इसको प्लस करें तो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ रहा है डेबिट का अमाउंट आपको देन क्रेडिट के अमाउंट से कंपेयर करना है क्रेडिट में कितना है बाई प्लांट बाई प्लांट फाइव थाउजेंड क्रेडिट आर्ड्स अकाउंट फिफ्टीन हंड्रेड लॉस अकाउंट अब देखिए यहाँ पर फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आया ठीक है अभी यहाँ पर हम उसको करें तो टोटल कितना हो रहा है इसका तो अभी हम आपको यहाँ पे क्या आ रहा कि इसका डेबिट का टोटल आ रहा है सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड आ रहा क्रेडिट का टोटल है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अब हम इसको माइनस करें हमको तो हमको वैल्यू कितनी आएगी थ्री हंड्रेड सो यहाँ पे लॉस आ रहा बिकॉज डेबिट का टोटल बढ़ गया हमारा इसीलिए क्रेडिट का टोटल कम हो गया तो लॉस होगा रिवैल्युएशन में लॉस हुआ तो सेम लोग का जो रेशियो निकाले हम वही रेशियो में जो हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस करे थे रेशियो कैसे निकालते हैं वही रेशियो में इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राजेश जय को टू हंड्रेड एंड वन हंड्रेड हो गया कंप्लीट देन मूव ऑन यर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करे थे लास्ट प्रॉब्लम में अभी हम आपको क्या आया लॉस uh, आया लॉस आया तो हम उसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे रिवेल्यूएशन ऑन लॉस टू हंड्रेड एंड वन हंड्रेड ठीक है हो गया ट्रांसफ़र अभी इसको क्लोज़ करना है यहाँ पे क्रेडिट का टोटल करिए डेबिट के ये जो भी है टू हंड्रेड वन हंड्रेड उसको माइनस करिए देन यू विल गेट बाय बैलेंस कैरी डाउन ये वाले आंसर्स आपको आएंगे कैपिटल अकाउंट के सो जो भी हाईएस्ट वाला अमाउंट है उसको यहाँ पे डालना है तीनों साइड भी अभी ये तो ये थर्टी थाउजेंड इसका हाईस्ट बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है सो दोनों साइड भी हम क्या डालेंगे थर्टी थाउजेंड ठीक है हो गया क्लोज रिवाल्यूशन अकाउंट क्लोज हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया दो भी अकाउंट ठीक है अभी हमारे को बैलेंस शीट टैली हो रही चेक करेंगे ठीक है कैसे चेक करेंगे बैलेंस शीट को सब चीज़ें एंटर कर लिए हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली वन बाई वन एंटर करें हैं ठीक है अभी बैलेंस शीट को कैसे चेक करेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट अब वो लाइबिलिटीज जो माइनस हुआ उसको माइनस करे जो ऐड हुआ उसको ऐड करे देन आउटर कॉलम में लाए वो अमाउंट लिख दिए ठीक है देन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अभी तीनों पार्टनर्स का ये जो कैपिटल है ये कहाँ से आ रहा होता है कैपिटल अकाउंट का आंसर्स है ये क्या है हमारे ये कैपिटल अकाउंट आंसर्स जो हमको आए ठीक है कैपिटल अकाउंट आंसर्स थ्री साइड भी लिख दिया, ओके कैश एट बैंक कितना है फिफ्टी सेवन थाउजेंड ये कैश एट बैंक हमारा कहाँ से आया बैंक अकाउंट का टोटल है ये बैंक अकाउंट का जो टोटल आया ना मतलब जो बैंक अकाउंट का आंसर आया हमको वो है हमारा कैश एट बैंक ठीक है फिफ्टी सेवन थाउजेंड उसको लेकर आना है यहाँ पे लिख लेना है फिफ्टी सेवन थाउजेंड ओके देन प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक ये सब जो हम एक पॉइंट पॉइंटली करें उसी को करना है देन आपको पूरे टोटल प्लस करना है चलिए प्लस करके देखेंगे ओके ईच एंड एवरी थिंग वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ दैट एवरी पॉइंट इफ़ यू विल फॉलो मीन्स यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर ओके एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम दैट हाउ वी आर डू हाउ वी आर सॉल्विंग आर प्रॉब्लम सो हियर पूरे प्रॉब्लम्स करें हम एवरी थिंग यू हैव अंडरस्टूड अभी क्या करना है सबका टोटल करना है सो so अभी चलिए कैलकुलेटर को न्यूट्रल करके अभी टोटल स्टार्ट करेंगे ओके फिफ्टी सेवन थाउजेंड प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड प्लस सेवेंटीन थाउजेंड वन हंड्रेड देन वन फोर्टी फाइव वन हंड्रेड आ गया यहाँ का ओके okay. अभी यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी साइड टू ज़ीरो फोर डबल ज़ीरो प्लस फिफ्टी नाइन एट हंड्रेड प्लस थर्टी फोर नाइन हंड्रेड प्लस थर्टी थाउजेंड वन फोर फाइव वन डबल जीरो वी गॉट आवर आंसर बैलेंस शीट टैली हो गई सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आप सब की हेल्प की वजह से ये सब आ गया आंसर राइट अलहमदिल्ला वी गेट आंसर सो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम विच वी हैव डन और एक बात वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आर पी त्रिवेदी की जो रीडर है उसमें ये प्रॉब्लम नंबर टेन है इस टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछने के चांसेस रह सकते आपको कभी लॉस आ गया रिवेल्यूशन में तो किस तरह सॉल्व करना हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट इफ़ यू विल गेट लॉस मीन्स सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो यू हैव टू डू इट ओके सो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम यू विल गेट गुड मार्क्स इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज मीन्स प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेशन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर Uh, way or else i'll uh, try to clear your doubts okay so i hope that you all enjoy my video thank you so much for watching my video if you're new to my channel and not subscribe it means please like share and subscribe to my channel thank you for watching